शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर बुधवार को यातायात पुलिस सख्ती का रुख अपनाती नजर आई। दिवाली पर्व के मद्देनजर यातायात प्रभारी लील सिंह के नेतृत्व में यातायात कर्मियों ने शहर के स्टेशन रोड पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए अस्त व्यस्त खड़े वाहनों के चालान काटने के साथ ही दुकानदारों को भी चेताया। साथ ही यातायात पुलिस ने राहगीरों को मास्क बांटकर मास्क अनिवार्यता का संदेश दिया। बाड़मेर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर मंगलवार को यातायात पुलिस सख्ताई का रुख अपनाती नजर आई। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से मिले निर्देशों की पालना में मंगलवार को यातायात पुलिस ने यातायात प्रभारी के नेतृत्व में शहर के मुख्य स्टेशन रोड पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान काटने के साथ साथ अतिक्रमी दुकानदारों को भी चेताया। यातायात पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान शहर के गांधी चौक से लगाकर रेलवे स्टेशन तक अस्त व्यस्त खड़े वाहनों को निर्धारित पट्टिका में खड़ा करवाया। साथ ही निर्धारित पट्टिका से बाहर खड़े वाहनों के चालकों को हिदायत देते हुए व्यवस्थित करवाने के साथ साथ अस्त व्यस्त खड़े वाहनों के चालान भी काटे। इस दौरान मूथा मार्केट के बाहर पट्टिका से बाहर खड़ी स्कूटी का चालान काटने पर वाहन चालक यातायात कर्मी से उलझता नजर आया, लेकिन पुलिस उसका नियमानुसार चालान काट कर समझाइश करती नजर आई। यातायात प्रभारी लील सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधार के लिए यातायात पुलिस ने लोगों को समझाइश करने के साथ साथ अस्त व्यस्त वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई का दौर शुरू किया है। इसके तहत प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नॉन पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई और मास्क की अनिवार्यता को भी लागू करने के लिए यातायात पुलिस समझाइश के साथ सख्ती से पेश आएगी। दीपावली और त्योहारों के सीजन को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो मुख्य मार्केट है या जो सर्किल है मुख्य चौटनपुराया चंद्री सर्किल अनीसा सर्किल और मुख्य बाजार में जो अस्त व्यस्त ठेले वगैरह है या फिर मोटरसाइकिलें वगैरह जो बीच में अस्त व्यस्त खड़ी कर रखी थी तो उनके खिलाफ आज कार्रवाई की है और भी हमेशा के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। पूरे शहर में जहाँ पे भी नो पार्किंग या फिर और जो यातायात संबंधी जो भी जो गाँव अव्यवस्था होती है तो उनके खिलाफ आवश्यक रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में सर बिना मास्क वाले लोग अगर घूम रहे उनके बिना मास्क वालों के लिए भी समझाइश की जा रही है और बिना मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं और कुछ मास्क पुलिस विभाग की ओर से वो भी जो जरूरतमंद है उन लोगों को मास्क वितरण भी किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुलिस वाहन ने अनाउंसिंग के माध्यम से स्टेशन रोड के दुकानदारों को हिदायत दी कि दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रशासन का सहयोग करते हुए मुख्य सड़कों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण ना करें, साथ ही अपने वाहनों को निर्धारित पट्टिका में खड़ा करें। नियमों की अवहेलना करने पर दुकानदारों समेत वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यातायात प्रभारी लील सिंह, अर्जुन दान, आनंद सिंह समेत यातायात कर्मियों ने मुख्य रोड और अहिंसा सर्किल से गुजरने वाले राहगीरों के मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए बिना मास्क पहने लोगों को निःशुल्क मास्क बांटे।